चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई? सबसे लास्ट पेपर कौन सा है भाई आपके इंटर का? बोलिए, एफएम एंड इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। तो आज हम वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूरा टॉपिक और ये पूरा सब्जेक्ट इसलिए इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हम यहाँ पर एफएम पढ़ेंगे वो आपके एसएफएम में सीए फाइनल में भी काम आने वाला है। कॉस्टिंग भी काम आती है, बट कहीं ना कहीं इसका ज्यादा रोल है क्योंकि फाइनेंस एक मार्केट है पूरी की पूरी, जिसमें आप एज ए सीए जब बन के जाते हैं तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस सेक्टर क्या है, मार्केट्स क्या है, शेयर मार्केट क्या है, करेंसी क्या है, यील्ड क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होते हैं, आरओई क्या होता है, आरओसी क्या होता है, आरओसीई क्या होता है, किस तरह से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटीज क्या रेट ऑफ रिटर्न देंगी, किस हिसाब से फ्यूचर्स मार्केट ऑप्शंस होते हैं, किस हिसाब से कॉल मार्केट ऑप्शंस होते हैं, पुट मार्केट पुट ऑप्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, डेरिवेटिव्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो आपको फाइनेंस मार्केट के अंदर सीखने के लिए मिलती है। और एक ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है कहीं ना कहीं, हम अगर सपोज अगर सोचें जैसे अकाउंटिंग लाइन है पूरी की पूरी, तो एक फाइनेंस भी एक पूरी की पूरी लाइन है। कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अकाउंट्स में बन पाता है और कुछ स्टूडेंट का इंटरेस्ट फाइनेंस में पूरी तरह से बन जाता है, किसी का इंटरेस्ट टैक्सेशन में बन जाता है। तो ये एक पूरी लाइन भी है, मतलब इन केस अगर आपको अच्छा लगता है और ये सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट बनता चला जाता है तो हो सकता है कि आप प्रैक्टिस ही इसी फील्ड में पूरा का पूरा कीजिए, या हो सकता है आप इसी मार्केट के अंदर घुसते चले जाए और आप कल कल को अपना फ्यूचर इसके अंदर बनाए। तो ये एक पूरी मार्केट है जिसको समझने में, जिसको इंटरेस्ट लेने में, जिसमें कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी डिपेंड करता है और आपका आपका कहीं ना कहीं आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है। तो इसको इस चैप्टर को इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मजा ही यही है कि जो इंटरेस्टिंग वे से पढ़ता चला जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये पेपर तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं इस पेपर में मुझे मार्केट की नॉलेज मिल रही है, कहीं ना कहीं मुझे ये पता लग रहा है कि किस हिसाब से फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न बना सकते हैं, हम क्या 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 कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि हम वो चीज हमें इस मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम ही लिखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। हमारे सीए इंटर में पेपर 8 है ये आपके पास। तो सबसे बड़ी बात है लास्ट पेपर है, तो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। अगर लास्ट पेपर अच्छा हुआ होगा तो मूड बहुत वैसे ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं एक दो तो पेपर बीच में जब आप 8 पेपर देते हैं तो कहीं ना कहीं कोई पेपर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ होगा तो लास्ट एफएम का पेपर आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स कर देगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। इस पेपर के अंदर कोई ऐसा, जैसे कॉस्टिंग इंटरेस्टिंग है वैसे ही आपके पास एफएम और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस आपके पास इंटरेस्टिंग है, बल्कि इवन कॉस्टिंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके अंदर अगर इंटरेस्ट रखते चले जाएंगे तो आपको मार्केट की नॉलेज भी होती जाएगी, बाकी सारी चीजों की भी नॉलेज हो जाएगी। तो दो पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड है ये, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर भी दो पार्ट्स में आएगा, ये नहीं है कि मिक्स आएगा, ये बात याद रखना। पार्ट 1 60 मार्क्स लिखते जाइए साथ साथ, आपको भी ध्यान रहेगा। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 2 आपके पास 40 मार्क्स। अब पेपर का पैटर्न कैसा होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो अब सबको समझ में आ ही गया कि इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में हम पढ़ेंगे बच्चों थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं आपके पास। जैसे सीए फाउंडेशन में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, उससे थोड़ा ढट के इकोनॉमिक्स है, ये नहीं है कि सीए फाउंडेशन वाला इकोनॉमिक्स है, बट कुछ ना कुछ +2 में उससे रिलेटेड आपने पढ़ा है, जैसे नेशनल इनकम, जीएनपी, जीडीपी एट नेशनल, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसके साथ साथ आपको याद होगा मनी सप्लाई वाले क्वेश्चन आपने +2 में किए थे, मनी सप्लाई M1, M2, M3 याद है कुछ हद तक, तो वो आपके पास इसमें रहता है कहीं ना कहीं। तो वो इकोनॉमिक्स है थोड़ा सा, और नेशनल इनकम से रिलेटेड है, मतलब पूरी तरह से मार्केट से रिलेटेड आपका जो इकोनॉमिक्स होता है वो आपके पास इसमें है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, आपने थोड़ा सा +2 में भी पढ़ा है, इसमें रेशियोज वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा था तो वो आपके इससे थोड़ा सा रिलेट करता है और आके इसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम पेपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर कैसा आता है, इसका उसका पेपर पैटर्न क्या होता है वो नोट कर लेते हैं। पार्ट ए का क्वेश्चन 1
ये आपके पास आएगा 20 मार्क्स और कंपलसरी होगा। फाइव इंटू फोर भी हो सकता है, पांच पांच मार्क के चार क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंड करता है। कई बार चार चार नंबर के पांच क्वेश्चन दे देते हैं, वो डिपेंड करता है, वो उनके ऊपर चाहिए, चाहे वो दस दस नंबर के दो, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब आपको करना ही करना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, फाइव क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट एनी फोर, आपको चार क्वेश्चन करने। इसमें से पूरा एक क्वेश्चन थ्योरी का होगा, चाहे सिक्स नंबर हो, चाहे फाइव नंबर हो, चाहे कोई भी हो, एक क्वेश्चन थ्योरी का होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप एफएम की थ्योरी नहीं कर सकते, चाहे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके आ सकते हैं। अटेम्प्ट एनी फोर, 10 मार्क्स इंटू 4, 40 मार्क्स ये हो गए, 20 मार्क्स आपके पास ये हो गए, ये आपका 60 मार्क्स का पेपर ओवर हो जाता। तो आपके पास एफएम में सबसे अच्छा प्रैक्टिकल का ऑप्शन है कि अगर आप थ्योरी नहीं करके आना चाहते तो चाहे ना भी करके आइए, बट आप करके आना चाहते हैं तो करके भी आ सकते हैं। थ्योरी भी उसी से रिलेटेड आती है, कुछ ऐसा नहीं आता कि जो अलग आए, थ्योरी ऑप्शनल में चली जाती है। नेक्स्ट आपका पेपर आता है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, टोटल 3 आवर्स ही मिलेंगे आपको, पर दो पेपर, दो अलग अलग शीट्स पे आपको पेपर करना होगा। पेपर ए के लिए आपको अलग से आंसर शीट मिलेगी, पेपर बी के लिए आपको अलग से आंसर शीट मिलेगी, तो आप दोनों के लिए अलग अलग आंसर शीट यूज करेंगे, दोनों अलग अलग पार्ट्स में करके आने। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 10 मार्क्स कंपल्सरी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इसमें आपको करना अटेम्प्ट एनी 3, जिसमें आपको बस 10 to 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और इसमें प्रैक्टिकल बहुत सिंपल होगा, जैसे हमने प्लस टू में किए थे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब सारी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो ये आपके पास मार्क्स गेनिंग सबसे ज्यादा है। अगर हम मार्क्स गेनिंग की बात करें तो ये पोर्शन आपका मार्क्स गेनिंग सबसे ज्यादा। क्योंकि इसके प्रैक्टिकल में बहुत कम टाइम लगता है, जहां एफएम के क्वेश्चन में आपके पास आधा घंटा लगेगा, वहीं इसके क्वेश्चन में 5 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 10 से 15 नंबर तो आपके फ्री के हैं, जो प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप जस्ट पुट कीजिए, उसके बाद उसमें डालिए और आंसर सीधा सामने। इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है। और थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं है कि थ्योरी का क्वेश्चन 10 मार्क्स की पूरी लंबी लंबी थ्योरी लिखनी होती है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है थ्योरी का भी, मैक्स 5 मार्क्स। तो यहां भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है, जो आपके जैसे फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है तो इसमें आपके पास 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, इस टाइप से आपके पास आता है। मतलब ये आपके पास एक तरफ से आर्बिट्रेज है, विदाउट रिस्क आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ऊपर कोई रिस्क नहीं लगाना आपने, मतलब आप आराम से विदाउट रिस्क प्रॉफिट कमा सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस के लिए एफएम के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है, जितना हम एफएम के लिए पढ़ते हैं उतना हमें इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के लिए नहीं पढ़ना पड़ता, बट जितना हमें एफएम के लिए पढ़ना पड़ेगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं मैटर करेगा, क्योंकि उसके मार्क्स भी 60 है, और कहीं ना कहीं मार्क्स 98 या 100 या आपको 97 चाहिए, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं एफएम के लिए पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे, बताइए यहां तक किसी को डाउट, बोलिए। पेपर पैटर्न में कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोलो भाई। पेपर पैटर्न नहीं सर। चले आगे, चलिए अब एफएम के सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही स्टार्ट करेंगे आपके साथ।
किस हिसाब से सिलेबस को इन्होंने आपको डिवाइड किया हुआ है, एफएम का सिलेबस जो है आपके पास। देखिए एफएम होता क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनीवन कोई मुझे बता सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके पास होता क्या? हाँ जी कोई भी पर्सन बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या आपके पास, फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होता है, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है बताइए आरम, क्यों पढ़? हाँ जी आकृति बोलो सर, फंड्स को कहाँ यूज करना है ये डिसाइड करता है, कहाँ यूज करना और कहाँ से प्रोक्योर करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी तो है, प्रोक्योर करना कहाँ से है। फॉर एग्जांपल मैं 15% से आरम पैसा उठा रहा हूँ और पैसा 15% पे उठा के मार्केट में कमा पाऊंगा एनुअली 15% अगर मैं मार्केट से उठा रहा हूँ तो क्या मैं कमा पाऊंगा? मेरे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा और मेरी बिजनेस की रिटर्न्स भी 16 या 15% है तो क्या मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा? कभी नहीं कमा पाऊंगा। बट अगर मैं 6 या 7% पे उठा रहा हूँ और फिर 15% पे कमा के लगा के दे रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है मेरा बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा? दैट्स अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है आज की डेट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितने स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं, जितनी कंपनीज आप देख रहे हैं, किसके भरोसे खड़ी है? सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भरोसे खड़ी है बच्चों, और कोई भी तरीका नहीं है। एक फाइनेंस मैनेजर यही देखता है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कहाँ से करनी है, कहाँ से आपको फंड्स को इजीली अवेलेबल कराना है और कैसे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हम उसको कहीं ना कहीं इससे इफेक्टिव रिटर्न्स निकालना है। तो यही पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट रहने वाला है। इसी प्रोसेस को हम फाइनेंस मैनेजर करता है और इसी प्रोसेस के लिए जहां कहां इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगाना है वही चीज सोचना उसको, क्योंकि सिंपल आप खुद सोच के देखिए, मैं अगर कहीं भी किसी भी रेट ऑफ रिटर्न पे उठा लूं, अगर मेरे को उससे ऊपर की रिटर्न आएगी तो मेरा बिजनेस अच्छा जाएगा, बट अगर मेरे को उससे नीचे की रिटर्न आएगी तो नेचुरल सी बात है बिजनेस मेरा ग्रो नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा मेन फंडा ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। और उसके बाद बताइए बोलिए यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, डिप्लॉयमेंट ऑफ एक ही बात है। या आप इसको दूसरा भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और अगर हम यहां बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स की जगह यहां पर क्या है, फंडिंग डिसीजंस। तो जैसे जैसे हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यही डेफिनेशन हमारे चैप्टर्स के तौर पे काम आ रही है। चैप्टर्स कौन से बनेंगे, सबसे पहला प्रोक्योरमेंट के लिए आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको ये देखना है कि कितनी कैपिटल की कॉस्ट पड़ रही है। आप डिबेंचर मार्केट से उठा रहे हैं, आप शेयर्स उठा रहे हैं, आप प्रेफरेंस शेयर्स उठा रहे हैं, आप इक्विटी शेयर्स उठा रहे हैं, आप बॉन्ड्स उठा रहे हैं, उसकी आपके कॉस्ट क्या पड़ने वाली है। देन आपको ये सोचना है कि कॉस्ट पड़ने के बाद आप उसका प्रॉपर मिक्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आप सारा का सारा डेप्ट उठा लेंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क पर रहेंगे। आपको अगर कभी मार्केट में रिटर्न्स कम भी हुई तो नेचुरल सी बात है आपको डेप्ट का इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। बट तो ये सोचना होता है कि हमें प्रॉपर मिक्स कैसे करना। आप कोविड के टाइम में ज्यादातर कंपनीज किसके भरोसे बच गई, शेयर मार्केट के भरोसे, क्योंकि शेयर मार्केट में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि कहीं ना कहीं आपका इक्विटी मार्केट से रिटर्न्स था। तो इक्विटी मार्केट में अगर आपने 1-2 साल डिविडेंड नहीं भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, सबको पता है कि कोविड है, पूरे वर्ल्ड में कोविड है, तो नेचुरल सी बात है आप 2 साल अगर डिविडेंड नहीं भी पे आउट करेंगे तो आपकी कंपनी के ऊपर कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे शेयर मार्केट में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ये सब चीजें हमें देखना होता है कि हम कहां कहां प्रोक्योरमेंट करें, किस किस तरह से प्रोक्योरमेंट करें, कैसे आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करें और प्लस आप उसका मिक्स कैसा प्रॉपर बनाए कि खाली पूरा का पूरा पैसा अगर आप डेप्ट से उठा रहे हैं तो भी रिस्क है आपके पास, सारा के सारा पैसा आप डेप्ट से उठा लेंगे आपको एक टाइम के लिए लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं जब आप मार्केट में कभी कोई सिचुएशन अब नॉर्मल हुई तब उस सिचुएशन के अंदर आप फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है डिबेंचर को, तो आप इंटरेस्ट मना नहीं कर सकते। बट इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए आप अगर डिविडेंड 2 साल के लिए कम भी दे दें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा एक और भी होता है डिबेंचर्स का, आपके पास अगर इंटरेस्ट पे करना होता है तो एक टाइम के बाद आपको रिडेम्पशन भी करना है, और रिडेम्पशन करना है तो आपको पैसा भी क्या करना होता है, पैसा वापस करना होता है। बट अगर मैं बात करूं इक्विटी की, प्रेफरेंस की, इक्विटी और प्रेफरेंस का फायदा क्या है, उनको आप पैसा वापस नहीं करते, और अगर उसी का पैसा अगर वापस डिविडेंड ना देकर कम देकर वो प्लगिंग बैक कर लेते हैं उसी
पैसे को वापस अपनी मार्केट के अंदर लगाते रहते हैं तो नेचुरल सी बात है आपको रिटर्न्स क्या आ जाती हैं, उससे ज्यादा आ जाती हैं। मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स आप फायदा उठा पाते हैं, आप प्रॉफिट्स उससे ही कमा पाते हैं जो आपके पास पैसा ऑलरेडी शेयर होल्डर्स का पड़ा है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स का रिजर्व्स में पैसा पड़ा है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स का आपके पास अगर मान लीजिए प्रॉफिट्स के अंदर पैसा पड़ा तो वो भी आप प्लगिंग बैक करके आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूँ जो ब्लू चिप्स कंपनीज हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, आपके पास बहुत सारी कंपनीज है बच्चों, यहाँ तक वो कैसे पहुंची है, वो अपने प्लगिंग बैक करके ही अपने प्रॉफिट्स को यहाँ तक पहुंची है, उनके शेयर होल्डर्स ने उन पर ट्रस्ट किया, 30-30 ईयर्स हो गए, 40-50 ईयर्स हो गए मार्केट को स्टैंड हुए, तो नेचुरल सी बात है वो जब से मार्केट में सेंसेक्स में पैसा लगता रहा वो आज वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में पहुंच गए, वो पैसा सारा वो काम आ रहा है। तो दोनों चीजें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते वक्त ये देखना पड़ता है कि आपको कॉस्ट कैसे कम आ सकती है, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम पढ़ेंगे, फिर देखना है कि हमें मिक्स कैसा प्रॉपर तैयार करना है कि जिससे वो मिक्स ऐसा हो कि हाँ थोड़ा बहुत डिबेंचर भी हो थोड़ा बहुत इक्विटी भी हो, ये ना हो सारा डिबेंचर हो सारा इक्विटी हो, सारा इक्विटी होगा तब भी प्रॉब्लम है क्योंकि फिर अदरवाइज आपको ग्रोथ कम आएगी, क्योंकि नेचुरल सी बात है आपने लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पकड़ ही नहीं रखी, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इक्विटी में, तो जैसे जैसे पैसा कमाते जाएंगे वैसे वैसे शेयर मार्केट में उनका रिटर्न ज्यादा होता चला जाएगा, तो कल को वो ऑब्वियस है कि आपको ऊपर हैवी भी होंगे, बट अगर आप डिबेंचर्स भी उठा के रखे होंगे, लॉन्स भी उठा रखे होंगे, तो कुछ फंड लॉन्ग टर्म फंड्स के जरिए उनको आप रीबैक कर सकते हैं और आसानी से आप थोड़ा सा बिजनेस में अपना पैसा भी बढ़ा सकते हैं, तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं सब लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं करंट एसेट या करंट लायबिलिटी के लिए अगर हमने फंड्स अरेंज करना है या करंट एसेट्स में कितना पैसा आना चाहिए, करंट लायबिलिटी में कितना पैसा आना चाहिए, उसके लिए हम एक डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कोई मतलब नहीं होता, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अरेंज की जाती है वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए अरेंज की जाती है। तो क्लियर है सबको कि अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स की तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अरेंज करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर उसका बिजनेस के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे प्रोजेक्ट्स में लगाना है, तो वो हम आपके पास किसमें डिस्कस करेंगे, आपके पास आपका कैपिटल बजटिंग में डिस्कस करेंगे। तो मेन प्रोसेस क्या है, ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, बट अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो वो सारा के सारा आपका वर्किंग कैपिटल है। तो लिख लेते हैं इसको, ध्यान रह जाएगा। बताइए सब लोग, साथ साथ पूछना भी है भाई, इसीलिए हमारे सॉफ्टवेयर का इसका बेनिफिट है कि साथ के साथ आप जो मर्जी पूछ सकते हैं। बोलिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट का मतलब फाइनेंसिंग, फंडिंग डिसीजन। तो इसके लिए हमने जो चैप्टर पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है। To minimize cost of capital. कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो सबको क्लियर हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या आपके पास, बताइए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल के लिए जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, ये सब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा जा रहा है। कौन से होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, बताइए। डिबेंचर्स, इक्विटी, बोरोइंग्स, जो भी आप कर रहे हैं, डेप्ट, जितना भी आ रहा है वो सबके लिए कॉस्ट देखना आपके पास, प्रेफरेंस शेयर, वो सबके लिए आपको क्या देखना, कॉस्ट देखना, वो आपका किसका मेन प्रोसेस, ये चैप्टर का नेम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारा किसका काम हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का, किसका काम हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट का। इसी में आप चैप्टर पढ़ेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में, उसके बाद आपको देखना होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं प्रॉपर मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, फॉर एग्जांपल डेब्ट, इक्विटी। नेक्स्ट, इसी में चैप्टर है लेवरेजेस, लेवरेजेस, लेवरेजेस है क्या आपके पास, लेवरेजेस भी बोल देते हैं, रिस्क, लेवरेज का नेम दूसरा होता है लेवरेज का। दो तरह के रिस्क होते हैं बिजनेस में,
प्रॉपर रिस्क से भी बचाना। मैंने आपको बता ही दिया अब आपको कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल सस्ती उठा सकते हैं, आपको मार्केट के अंदर 6% 7% पे डेप्ट मिल जाएगा मार्केट के अंदर, बट अगर आपने सारा डेप्ट उठा लिया तो आप रिस्क में आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सारा डेप्ट उठा लिया, कल को मार्केट के अंदर कभी भी अनस्टेबल फंड्स आ गए, कभी भी हो सकता है नेट प्रॉफिट्स कम आए, बताइए तो उस प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कोविड में मुझे बताइए वो बिजनेस ज्यादा सर्वाइव करेंगे जिन्होंने लॉन्स ज्यादा देने हैं, या वो बिजनेस सर्वाइव करेंगे जिन्होंने लॉन्स कम देने और 2 साल प्रॉफिट्स कम भी आ जाएंगे तब भी रह जाएंगे, बताइए कौन से रहेंगे सर्वाइव करेंगे? आप आंसर दीजिए इस बात का, बोलिए कौन से बिजनेस सर्वाइव करेंगे? कम वाले। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या होगा, जिनके लॉन्स में परमानेंट पेमेंट नहीं है, तो वो भी सबसे बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी में मेरे पास पैसा पड़ा है तो नेचुरल सी बात है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास SCO पड़ा है, मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा, पहले मैं आपसे छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के पास SCO पड़ा है, उस पर कोई लोन नहीं है, उसका रेंट आता है उसको या उसके खुद का बिजनेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा हार्ड एंड फाइट उसके साथ इतना बड़ा हार्ड एंड इशू नहीं आएगा। बट अगर उसने वही अगर उस 2 करोड़ के SCO पे ऊपर 50 लाख भी लोन देना है या 20 लाख भी लोन देना है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी 30-40-50,000 रुपीज, और रेंट आ नहीं रहा उसके पास 50,000 कहां से निकालेगा बताइए, भागेगा नहीं तो और क्या होगा। तो ये सब चीजें भी देखता होता है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बिजनेस रिस्क कितना होना चाहिए। बिजनेस रिस्क आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे हम बिजनेस रिस्क के अंदर। बिजनेस रिस्क क्या होता है कि बिजनेस को चलाने का खर्चा कितना है, वहां पर आप फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। बट फाइनेंशियल रिस्क में हम ये कंपेयर करते हैं कि आपने डेप्ट का पेमेंट ज्यादा देना है, इक्विटी का पेमेंट ज्यादा देना है। तो आप यहां पर स्टार मार्क करके नोट भी कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क होता है टू रन द बिजनेस। How to run business? With proper calculating fixed cost, variable cost. अब मान लीजिए मेरी variable cost ज्यादा है और fixed cost कम है तो मेरा business risk कम है, but अगर मेरी fixed cost बहुत ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है मेरा बिजनेस रिस्क और बढ़ता जा रहा है। वही सेम चीज है मेरा फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क में मेरा डेप्ट बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया, डेप्ट बहुत कम है तो फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा सा कम हो गया। तो ये भी सब चीजें आपको कंसिडर करनी होंगी, लेवरेजेस में पड़ेंगे हम। तो ये आपके पास 2 तरह के लेवरेजेस होंगे, एक बिजनेस रिस्क वाला और एक फाइनेंशियल वाला, एक को हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलेंगे, एक को फाइनेंशियल लेवरेज बोलेंगे, वो हम पढ़ेंगे तब। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हमें बिजनेस को कैसे रन करना है। तो सबसे पहला मेन कंसेप्ट यही है कि आपको कॉस्ट देखना है, फिर उसके बाद देखना है कि आपको कैसे मिक्स के अंदर लगाना है कि ताकि वो मिक्स प्रॉपर बन जाए, ना तो पूरा डेप्ट हो ना पूरा इक्विटी हो, आपका रिटर्न्स इफेक्टिव दे रहा हो, आपको प्रॉपर मिक्स के साथ चला रहा हो, आपके पास रिटर्न्स इफेक्टिवली आते रहे, आप पेमेंट भी करते रहे और धीरे धीरे चलाते भी रहे। क्योंकि खाली डेप्ट उठा लेंगे तो नेचुरल सी बात है आपको कल को प्रॉफिट्स नहीं आने वाले, फिर तो आपको ये लगेगा कि आपने सारा रिस्क उठा लिया, कल को अगर 2 साल में बिजनेस में सेटबैक में गया तो आप उसका डेप्ट डिप्ट में मर जाएंगे, और खाली इक्विटी उठा लिया तो कहीं ना कहीं आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए मर जाएंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होंगी कि आप इक्विटी की रिटर्न्स कितनी बना पाएंगे। तो आपको दोनों चीजों को बिजनेस को क्या करना है, सर्वाइव करना है, और दोनों को आपको अच्छे ढंग से फंडिंग उठा के आपने चलाना है, मार्केट में आपको दोनों चीजों का बेनिफिट होने वाला है। तो ये सब चीजें दोनों आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करके चलनी होती है। उसके बाद आता है आपके पास प्रोक्योरमेंट के बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यार डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एक ही बात है, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कंसीडर करना है। अब हमने पैसा तो उठा लिया, अब उसको लगाना कहाँ है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लगाने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, उसको उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, या मैं इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कह सकता हूं, कौन से प्रोजेक्ट में लगाऊं जिससे मुझे ज्यादा रिटर्न्स आए।
कौन सा प्रोजेक्ट मुझे कितने टाइम में क्या पेमेंट कर जाएगा, वो सारा मेरा काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है, इसे हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। या फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस, सेम ही चीज है, वही चीज है इन कैपिटल बजटिंग। जो कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट लगाए हैं उसकी रिस्क एनालिसिस करेंगे। ये आपके सारे लॉन्ग टर्म फंड्स का काम है, ये पूरा लॉन्ग टर्म फंड्स का काम है, प्रोक्योरमेंट करना और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। कौन कौन से चैप्टर आ गए इसके अंदर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेजेस और कैपिटल बजटिंग। या कैपिटल बजटिंग के साथ एक चैप्टर कवर्ड हो जाता है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ये आपका बस आपके चार चैप्टर हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के, चार या पांच। देन आपके पास आ जाता है आप शॉर्ट टर्म फंड्स, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करना नहीं है, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में भी सोचना है। शॉर्ट टर्म फंड्स कौन कौन से होते हैं बताइए? करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज कैसे मैनेज होगी, कैसे उनमें हम प्रॉपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे, तो वो हमारा चैप्टर नंबर थ्री पार्ट नंबर आ जाता है, वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें हम देखेंगे कि हमारी कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, करंट एसेट्स कैसे हैं, करंट लाइबिलिटीज आपके पास किस तरह से पे ऑफ हो रही हैं, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म फंडिंग भी बहुत मैटर करती है। बताइए, बिजनेस सिर्फ लॉन्ग टर्म फंडिंग से कमा के देता है या शॉर्ट टर्म से भी कमा के देता है? एक बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स बहुत हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स पड़ी हैं, बट उसके पास स्टॉक नहीं है, बताइए क्या रन कर पाएगा? नहीं रन कर पाएगा। तो उसको रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले करंट एसेट्स भी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स भी चाहिए, करंट एसेट्स का भी चाहिए, स्टॉक भी चाहिए, डेटर्स में भी आपको क्रेडिट भी देना है, क्रेडिटर से आपने क्रेडिट लेना भी है, वो सब चीजें कहां भी आती है, बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स पेएबल भी है, आपको इन्वेंटरी के मैनेजमेंट भी करना है, तो ये सारा काम आपके पास किसमें चला जाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। किसमें चला जाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की कुछ टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हम पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहला तो वर्किंग कैपिटल खुद ही हो गया, इसमें हम एक और पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट, आपको कैश को मैनेज करना है। बताइए आराम, मुझे बताइए कैश को मैनेज कैसे किया जाता है, आपको कैश आता कैसे है? जब आप कोई सेल्स करते हैं तो आपको कैश आता है, डेटर्स से आपको कैश आता है, फिर आपको पेमेंट किसको करनी होती है? क्रेडिटर्स से, आपने एम्प्लॉयज को देनी है, सैलरीज को देनी है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना होता है कि फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट मंथ के लिए आपको पेमेंट होना चाहिए, तो वो जो पेमेंट है वो आपके सारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, वो आपकी कैश मैनेजमेंट का पार्ट है, तो वो हमारा टॉपिक आता है कैश मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ हम फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट, डेटर से पूरे मैनेजमेंट करते हैं। जितेंद्र फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास डेटर ने कहा है कि मेरे को 60 डेज क्रेडिट दीजिए, और मैंने अगर उसे ऑफर दे दिया कि मैं आपको 10 डेज का क्रेडिट देता हूं और आपको 2% कहीं ना कहीं मैं ऑफ दे दूंगा, और उस ऑफ से मेरा पैसा फंडिंग कम पड़ रहा है और मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट कम पड़ रही है और कल को मैं बिजनेस को अच्छा सर्वाइव कर पा रहा हूं, तो मुझे उसको ऑफ दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए, तो वो देखना भी बहुत बड़ी बात है। वो रिसीवेबल मैनेजमेंट है, हम अपने डेटर से कैसे पेमेंट इजिली कवर कर सकते हैं और कैसे उनको इजिली थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं ताकि उनको थोड़ा प्रॉफिट्स उनको ज्यादा हो जाए, या उनको वो पेमेंट्स उनको हमारे को इजिली पे आउट कर दें, तो उसके लिए हम डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं, सीडी ऑफर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो हम रिसीवेबल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। हम अपनी सेल को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, प्राइसिंग को कैसे कम कर सकते हैं, तो ये सारी हम रिसीवेबल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमने एक कॉस्टिंग के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सबने अच्छी तरह से पढ़ा है, पढ़ा था ना? यहां पढ़ने की नीड नहीं है, वो ईओक्यू पढ़ा था, हां जी सर, आरओएल बताइए, रीऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा था, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, तो वो सारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का काम है, वो भी कहता है वर्किंग कैपिटल में ही आता है, तो वहां पर पढ़ रखा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर इतना पढ़ने की जरूरत। नहीं, इसी में एक और टॉपिक भी है हमारे पास,
ऑब्वियस है, डेटर्स की देख ली है तो अब पेबल्स की भी देखनी है, क्रेडिटर्स की भी देखनी है. ये हमारे टॉपिक्स हैं वर्किंग कैपिटल के. एक ही चैप्टर में कवर कर सकते हो, अलग अलग टॉपिक्स में भी कवर कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आप बताइए लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज कर लिए उसके बाद आपको किसके ऊपर फोकस करना होगा? डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर. मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन अराइज किया, आपको अपनी डिविडेंड पॉलिसी एक स्टेबलाइज पॉलिसी बनानी होगी. अगर आप सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे तो भी प्रॉफिट है, फिर तो नेचुरल सी बात है कहीं ना तो भी नुकसान है, क्योंकि सारा प्रॉफिट आपने बांट दिया इक्विटी शेयर होल्डर के पास, सारा पैसा कैसे जा रहा है? आपके प्रॉफिट सारे इक्विटी शेयर होल्डर के पास जा रहे हैं, तो वो पैसा बेकार कर देंगे. बट अगर आप उनको कमा के थोड़ा प्रॉफिट डिविडेंड कम दे दीजिए और उस प्रॉफिट से कमा के ज्यादा प्रॉफिट दे दें आगे फ्यूचर्स में, उनको रिटेंड अर्निंग्स ज्यादा दे दे, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट होने वाला है ना. तो ये सब चीजें भी आपके पास किसका पार्ट बन जाती हैं? डिविडेंड पॉलिसी. आपको कैसी डिविडेंड पॉलिसी देनी है, और दूसरा ग्रोथ कैसे शो ऑफ करनी है, ये बहुत बड़ा कांसेप्ट है. ग्रोथ कैसे शो ऑफ करनी है, अगर ग्रोथ आप नहीं बना पाए तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अगर फॉर एग्जांपल आपने इस साल डिविडेंड दिया 10 रुपीज और अगले साल आप उसका ग्रोथ नहीं दे पा रहे, आप अपना मार्केट प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी छोड़ के चले जाएंगे. क्योंकि हर एक को किससे प्यार है? ग्रोथ से प्यार है. कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं, ये बहुत बड़ा कांसेप्ट है. एक साल आपको अच्छा प्रॉफिट आ गया, अगले साल आपके पास नहीं आ रहा, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है. तो ग्रोथ बहुत मैटर करती है, कहीं ना कहीं उस ग्रोथ को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो वो आपके पास किसका पार्ट आ जाता है? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आएगा टॉपिक. नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक आपके पास जी पढ़ा है सबने, रेशो एनालिसिस. बताइए फाइनेंशियल प्लानिंग रेशोस निकालना पड़ा है ना, करंट एसेट्स करंट रेशोस, प्रोप्राइटरी रेशो, हाँ जी प्राइस अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये बहुत सारी चीजें पढ़ी है. ये सब फाइनेंशियल रेशो का पार्ट है, फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है. इसका पेपर में 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है आपके पास. 5 मार्क्स में आ गया कंपलसरी क्वेश्चन में, तो नेचुरल सी बात है 5 मार्क्स में आपको करना होगा. अगर 10 में आ गया तो 10 में एक ही बार आता है, ये नहीं है 5 का आ गया तो 10 भी आएगा. 15 मार्क्स का चैप्टर नहीं है ये, पर 5 और 10 के बीच में ये चैप्टर जरूर है. या तो 5 मार्क्स में आ जाता है या 10 मार्क्स में आपके पास आ जाता है. और इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए. किसकी? हाँ जी बताया था, पढ़ा हुआ है ना, किसमें पढ़ा था? जिसने नहीं भी पढ़ा, अपलोड कर रखे हैं मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक्स, तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके. नहीं भी अगर कर रखे, नहीं भी अगर आपको मिलते हैं तो मुझे बोल देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बैकग्राउंड नॉलेज होना, एन्युटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कैसे फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट आएंगी, कैसे लमसम आएगी, इसकी बैकग्राउंड नॉलेज जरूरी चाहिए. तो चलिए करें स्टार्ट. आप बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है, बताइए सिलेबस पैटर्न में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. एक सेकेंड बच्चों, चलिए अब आपके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर आपका.
चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज, वैसे रेशो पढ़ी हुई है सबने, सबने पढ़ी हुई ना रेशोस, थोड़ी बहुत ही बताइए आती है ना सबको, प्लस टू में पढ़ा हुआ है सबने, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए मार्केट में कैसे रेशोस का फायदा होता है, क्या बेनिफिट्स है रेशो एनालिसिस के। ये चैप्टर हम जस्ट अपनी रेशोस के लिए पढ़ रहे हैं, जस्ट हमने हमने रेशो कैलकुलेट कर दिया और आपको पता लग गया तो सिंपल काम हो गया, नहीं, उससे आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और रेशोज का बहुत बड़ा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट भी जाता है, क्योंकि रेशोज आपके बिजनेस को बहुत कंसिडर करवाती है, कहीं ना कहीं आपका कैसा रेशोज रह रहा है, कैसे आप डिविडेंड दे रहे हैं, कैसे उसके बाद आपको प्राइस बन अर्निंग बन रहा है, कैसे आपका मार्केट प्राइस डेवलप होगा, तो बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं, इसको पूरा अंदर से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो रेशियोस क्या क्या काम आती हैं, तो आपको एक एग्जांपल से लेते हैं, बताइए फॉर एग्जांपल कोई स्टील मैन्युफैक्चरर है, हाँ जी बोलिए, कौन एक स्टील मैन्युफैक्चरर, उसी फील्ड के अंदर दो कंपनीज काम कर रही हैं, एक कंपनी ए एक कंपनी बी, कंपनी ए जो प्रॉफिट कमाती है बताइए, आप बताइए कि अब इन दोनों कंपनीज के प्रॉफिट आपके पास दिए हुए हैं, आप कौन सी कंपनी में शेयर मार्केट में पैसा लगाने चाहेंगे, मार्केट के हिसाब से एक का प्रॉफिट 20 करोड़ है, एक का 200 करोड़ है, बताइए कौन से में पैसा लगा कमाना चाहेंगे, दोनों एक ही बिजनेस में है, दोनों का रिस्क एक जैसा है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है कि वो बिजनेस रिस्की हो या दूसरा बिजनेस रिस्की हो, दोनों का बिजनेस रिस्क एक जैसा है, अब बताइए कौन सी कंपनी के अंदर बिजनेस लगाना चाहेंगे, बताइए सब लोग आंसर करना चैट पे लिखो चाहे इस पे, हाँ जी बी, हाँ जी बोलो भाई जितेंद्र बी, आराम कौन से में बी, पर कैसे कह सकते हो भैया आप सिर्फ बी के अंदर बिजनेस में पैसा लगाओगे कि ताकि प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, बट अब मैं आपके सामने अगर लिख रहा हूं दोनों के प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो बच्चों एक बात तो सोच के देखो कि प्रॉफिट्स आने के साथ साथ क्या पता पैसा कितना लगा हुआ है, ये तो आपको पता नहीं है ना, तो अब आपके सामने एक और चीज है, ये दोनों के पैट है, पैट क्या होता है, हाँ जी पैट आफ्टर टैक्स और फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक, अब दोनों के शेयर्स भी देख लेते हैं, इसके 10 करोड़ शेयर्स हैं, इसके भी 10 करोड़ शेयर्स हैं, आप कौन सी कंपनी में लगाना चाहोगे, एक 200 करोड़ कमाती है, एक 20 करोड़ कमाती है, बताइए अब कौन सी कंपनी में लगाना चाहोगे, पैट आपको पता लग गया, शेयर्स आपको पता लग गए, किससे जज कर सकते हो आप, बताइए किससे जज कर सकते हो, किससे जज कर सकते हो बताइए, बोलिए क्या होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, फॉर्मूला क्या होगा अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, अर्निंग क्या है आपके पास, पैट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बताइए इसका ईपीएस क्या निकलेगा, 20 करोड़ कमाता है, 10 करोड़ शेयर्स हैं, बताइए 2 रुपीस निकला है, 200 कमाता है, 10 करोड़ शेयर्स हैं, बताइए 20 रुपीस निकला है, अभी किसको प्रॉफिटेबल मान रहे हो, अभी भी अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको प्रॉफिटेबल मान रहे हो, बताइए जल्दी जल्दी, बी को, अभी भी आपको लग रहा है कि बी इज मोर प्रॉफिटेबल, अभी भी यही लग रहा है, हाँ जी आराम, अभी भी यही लग रहा है, सबको यही लग रहा है, बोलिए बोलो भाई, सबको यही लग रहा
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जितना आ रहा है ऑब्वियस इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ही ऑब्वियस अर्निंग होती है, तो ईपीएस का फॉर्मूला आपको सबको पता है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा अब ये मुझे बताना, बैलेंस शीट आपको क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजिशन बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है? एनी वन, फाइनेंशियल पोजिशन बताती है या फाइनेंशियल पोजिशन परफॉर्मेंस बताती है? पोजीशंस बताती है, उससे आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो नहीं पता लगती है। बट अब मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता होगा? रेशियो एनालिसिस। अब यही सब्जेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रेशियो यहाँ रोल निभाएंगी। अब रेशियो कैसे रोल निभाएंगी, कौन सी रेशियो किस काम आएगी? अब मैं एक क्वेश्चन आसान में डाल रहा हूँ आपके पास, अब इन दोनों कंपनीज की मैं आपको नेटवर्थ लिख रहा हूँ, बताइए नेटवर्थ लिख रहा हूँ या इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स लिख रहा हूं? कंपनी ए के अंदर जिसमें हमारा प्रॉफिट आता था 20 करोड़, उसमें आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 80 करोड़ रुपीस का शेयर होल्डर्स का। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 80 करोड़, यहां है 2000 करोड़ रुपीस का। अब बताइए कौन सी कंपनी बेनिफिशियल है, बताइए। नेटवर्थ आपके सामने है, अब इसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं, बताइए क्या निकालेंगे, आप क्या सोचेंगे? सिंपल माइंड से सोचना, सिंपल माइंड से। अब ईपीएस आपके सामने है, 2 रुपए है उसका, 20 रुपए है। बट अब इसके पास आपके पास अगर हम बात करें तो आपका ईपीएस ज्यादा है, प्रॉफिट्स उसका ज्यादा है। बट अगर हम बात करें जितेंद्र कहीं दिमाग में ये कलखन की कि वहां पर आपने 80 करोड़ लगा के कितना कमा रखा है, कितना कमा रखा है? 20 करोड़। और यहाँ पर 2000 करोड़ लगा के कितना कमा रखा है? 200 करोड़। तो आप क्या निकालना चाहेंगे, बताइए क्या निकालना चाहेंगे? रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या फॉर्मूला होगा रिटर्न ऑन इक्विटी का? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड। अब बताइए कितने परसेंट रिटर्न आ रहा है, बोलिए। 0.25 या 25% एक ही बात है, इनटू 100 लगा लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और उस वाली कंपनी में कितना आ रहा है? अब कमेंट दीजिए, अब क्वेश्चन दिया होगा आपके पास, आपके पास कंसीडर टू फर्म्स pretty similar in all respect other than the size, मतलब साइज को छोड़कर एक स्मॉल फॉर्म है एक लार्ज फॉर्म है। अब आपको कमेंट देना है कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कौन सी कंपनी में आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा, तो आप क्या लिखेंगे, बताइए आप क्या लिखेंगे, बोलिए आप क्या लिखेंगे? कंपनी ए इज प्रॉफिटेबल, यस ए इज प्रॉफिटेबल। तो इस टाइप से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं, आपको ये सोचना होता है कि मार्केट के हिसाब से आपको बस रिटर्न्स क्या रहे हैं। खाली आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर नहीं करना है कि जस्ट एक सिंपल सी बात है मुझे एक फॉर्मूला। अब मैं आपको एक सिंपल सी आंसर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन किस तरह से ड्रॉ किया होगा, आप एग्जाम्पल को इस क्वेश्चन को अंदर से लिख सकते हो। लिखा होगा कंसिडर टू फॉर्म्स which are pretty similar का मतलब आपको समझ में आ गया, रिस्क दोनों का सेम है इन ऑल रिस्पेक्ट। अदर देन साइज मतलब इंडस्ट्री सेम, जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, रिस्क सेम, बहुत सारी चीजें, ब्रांड भी सेम, मैनेजमेंट भी एक जैसी है,
अब आपके सामने दो फॉर्म्स दी हुई हैं, ऑब्वियस है, ए फॉर्म बी फॉर्म। ए फॉर्म का पैट दिया हुआ है आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 करोड़ 200 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है आपके पास 10 करोड़ 10 करोड़। ईपीएस अर्निंग पर शेयर आपने निकाला, क्या निकाला, ए डिवाइडेड बाय बी, बताइए कितना रुपीस आया, 2 रुपीस। नेटवर्थ करोड़ 2000 करोड़, या नेटवर्थ को क्या बोल सकते हो, इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है बच्चों, बोलिए क्या नाम है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू, डिफरेंस है बच्चों बुक वैल्यू और फेस वैल्यू में, बताना क्या होता है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। एनीवन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, आप बता सकते हैं कि मार्केट प्राइस कैसे बनता होगा शेयर का, क्या सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही मार्केट प्राइस होता होगा इक्विटी शेयर मार्केट का, क्या हम बुक वैल्यूज नहीं निकालते होंगे, क्या कंपनीज की बुक वैल्यू देख के नहीं लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे, या जस्ट सिर्फ शेयर मार्केट देख के इन्वेस्ट कर लेते होंगे। मैं आरईएल का शेयर लेने जा रहा हूँ 3000 रुपए का, या फॉर एग्जांपल 5000 का, क्या मैं आज जाते ही 5000 का आराम परचेस कर लूंगा, या ये देखूंगा कि आरईएल के पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, रिजर्व कितने हैं, प्रॉफिट कितने हैं, उन सबका सम करके और उसके बाद डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर से देकर उसकी वैल्यूएशन करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा, बताइए। तो वो जो वैल्यूएशन कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट्स प्लस रिजर्व्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो भी आपके पास पैसा पड़ा है वो आपकी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है। वो क्या है आपके पास बच्चों, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, या शेयर होल्डर्स फंड्स, या नेटवर्थ, वो एक ही बात होती है। अगर हम बात करें कि अगर बैलेंस शीट के अंदर एक फॉर्मेट होता है आपके पास, सिंपल सिंपल सी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वन आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड वन आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड वन आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स जिसमें रिजर्व्स प्रॉफिट सब कुछ, लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड लास्ट करंट लायबिलिटीज को तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो साइड कर दीजिए। तो आपके पास आपकी नेटवर्थ क्या होगी, इक्विटी प्लस आपका, आप क्या कर लीजिए, रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स प्लस अक्युमुलेटेड रिजर्व्स, जो भी आपके पास पैसा पड़ा है वो आपकी सारी नेटवर्थ होगी। बट अगर आप प्रेफरेंस को साथ में जोड़ेंगे तो वो जो पैसा होगा वो आपके पास आपकी नेटवर्थ नहीं होगी, वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं होगा, उस वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगी, वो हम आगे बात करेंगे। बट आपको नेटवर्थ क्या है कि आपने पैसा कितना लगा रखा है, जो इक्विटी इक्विटी का पैसा है उसकी बात कर रहे हैं, और वो हम बुक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी, क्या बोलते हैं उसको हम, बुक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी। यहां तक किसी को डाउट आ रहा है प्लीज टोकिए मुझे। तो अब कैलकुलेट कीजिए, अच्छा इसी में अगर हमें बुक वैल्यू पर शेयर निकालना पड़ जाता है पहले कैलकुलेट से पहले, जैसे हमने अर्निंग पर शेयर निकाला था, बताइए कैसे निकलेगा बुक वैल्यू पर शेयर, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कैसे अंदाजा लगाया। अर्निंग पर शेयर क्या होता था, ऑब्वियस है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है तो नेचुरल सी बात है नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वेरी गुड, बहुत सीधा सीधा सा आंसर था, क्योंकि नेटवर्थ जितनी दी हुई है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। तो बताइए कितनी आती है बुक वैल्यू पर शेयर, बताइए इसके पास नंबर ऑफ शेयर,
अब बात करने इन दोनों को जज करने के लिए हम क्या निकालेंगे, ROE. क्या होता है भाई ROE? रिटर्न ऑन इक्विटी. पॉइंट टू बी नोटेड, ये ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, या इसको हम बोल सकते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ, लिख सकते हैं इसको रिटर्न ऑन नेटवर्थ. बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो लेस, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ 200. तो निकालते हैं, पैट को हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब फॉर्म ए का निकाल के देखते हैं. बताइए फॉर्म ए का, आपके पास अर्निंग्स है 20 करोड़, फॉर्म बी का लगाइए आरओ. अब दीजिए कमेंट, बताइए देयरफॉर कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी. बताइए, बोलिए यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए, यहां तक कुछ भी दिक्कत तो बताइए, कुछ क्लियर हुआ दोनों फॉर्मूले? बताइए रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस बताइए, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी. कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? कुछ 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 समझ में आ रहा है? हाँ जी सर. हाँ जी आराम. जितेंद्र बोलो भाई. हाँ जी सर. चलें, कुछ 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 क्लियर हो रहा है? हाँ जी. अब रिटर्न ऑन इक्विटी में कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं. रिटर्न ऑन इक्विटी को थोड़ा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. सबसे ज्यादा रोल है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का इस पूरे चैप्टर में. पैट दिया बताइए 500 करोड़, शेयर होल्डर फंड्स है, हिंट के लिए लिख रहा हूं, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर. निकालिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितने आएगी, कैलकुलेट कीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी, आंसर कीजिए मुझे कितना आएगा. बताइए
22.7%. और कोई? यस सर, यही आएगा. और कोई? क्या फॉर्मूला होता था? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर दिया हुआ है तो, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ. नेटवर्थ का मींस क्या होता था? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स. बताइए पैट कितना दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कैसे निकाला? 48 करोड़. बताइए कैसे निकला? 400 करोड़ के 12%. नेटवर्थ टोटल शेयर होल्डर फंड्स कितना है? 12 करोड़ को निकाल दीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितने हो गए? 25.11. बताइए क्लियर हुआ? अब कहाँ गलती कर गए थे? लग गया बता कहाँ गलती करी थी? Yes. सिंपल सी बात है, अब समझ में आया रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या. अगर मैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में रिटर्न ऑन इक्विटी बताऊं, इक्विटी ने अपनी अर्निंग्स पे कितने कमाए, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी. इक्विटी ने अपनी अर्निंग्स पे कितने कमाए लिख सकते हो कि दैट इज, सोचने का तरीका हिंदी में, लिखने का तरीका इंग्लिश में. सोचने का तरीका हिंदी में क्या है कि इक्विटी ने कितने कमाए, इक्विटी के लिए कौन सा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वो सारा पैसा इक्विटी का है. पर नेटवर्थ क्या होगी? इक्विटी वाली, सिर्फ प्रेफरेंस को बिल्कुल छोड़ देंगे क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा गया है. क्या पूछा गया? रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा जा रहा है. क्या पूछा जा रहा है बताइए? रिटर्न ऑन इक्विटी. बताइए अब क्लियर हुआ अच्छी तरह से? बोलो भाई अब यहां तक याद रहेगा रिटर्न ऑन इक्विटी, कभी भूलोगे तो नहीं रिटर्न ऑन इक्विटी. अब बोलो बताइए चले आगे. yes. बच्चों ये बेस स्ट्रॉन्ग करने वाली कहानी है, ये बहुत कंसेप्चुअल है ये चीजें. पैट दिया हुआ है आपके पास, अब रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी दी हुई है, फाइंड आउट नेटवर्थ. बताइए कीजिए आंसर. कितने? 4000 करोड़. बिल्कुल सिंपल है, निकाल सकते हो. कैसे निकाला है? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला. 800 करोड़ इज 20% ऑफ नेटवर्थ, क्योंकि लिखा हुआ है. नेटवर्थ नहीं तो फॉर्मूले में पुट करके निकाल लो, वो भी एक ही बात है. बताइए कुछ कुछ समझ में आ रहा है? चलें आगे. अब नेक्स्ट अब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है. आज हम बेसिक्स कर रहे हैं ताकि बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएं आपके. बताइए पहले तो बताइए मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. अभी बता के हटा था डेप्ट और इक्विटी का. बताइए क्या होता है? कॉम्बिनेशन, मिक्स,
एक ही बात है, बट अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई लॉन्ग टर्म फंड्स की बात की जा रही है, शॉर्ट टर्म की तो बात नहीं करी जा रही। तो पूरा का पूरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बच्चों, वो लॉन्ग टर्म की बात करा जा रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, आप एसेट साइड को सामने छोड़ दीजिए, आप लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज को निकाल दीजिए, बाकी सब जो चीजें हैं वो किसका पार्ट होती है? कैपिटल स्ट्रक्चर का। उसमें डेप्ट आ गया, प्रेफरेंस शेयर आ गया, इक्विटी आ गया, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, वो सारा किसका पार्ट है? कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो वो जो रोल है आपके पास, वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो नोट लिख सकते हो इसके लिए। लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ जो मैनेज किया जाता है वो आपके पास किसका पार्ट है? कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब समझने की कोशिश करना, कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, क्या क्या रोल आएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के, कैसे कैसे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए भी रेशियोज निकालनी है। इक्विटी, इक्विटी की बात तो हो गई कि अब हमने इक्विटी को तो समझ लिया, बट अब हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ भी चलना है, उसकी रिटर्न को भी सोचना है, कहीं ना कहीं उसके बारे में भी सोचना है। तो अगर मैं अगर अगर हम एक बात करूं, हमने एक रेशियो सुनी होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुनी थी। हाँ जी बताइए, सुनी थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? आकृति सुनी हुई है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? हाँ जी वर्ड सर। से समझना, वर्ड से समझना, क्या बिजनेस के अंदर जितेंद्र इन्वेस्टमेंट इक्विटी वाली होती है, या जो दूसरों से पैसा पकड़ के लगाया जाता है वो भी हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है? बताइए, वो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऑब्वियस है, जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ इक्विटी, इक्विटी की। इक्विटी में मैंने कितना पैसा लगाया और उससे जो कमाया, That is return on equity. But अब मैं बात करूंगा return on investment या return on capital employed, एक ही बात है बच्चों, याद रखना है, वो capital employed और return on investment, मतलब मेरा total पैसा कितना लगा हुआ है, उस पैसे पे मैं कितना कमा रहा हूँ, चाहे वो डेप्ट का लगा है चाहे प्रेफरेंस का लगा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे उसको? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब दोनों कंसेप्ट हमेशा याद रहेंगे, कि कंफ्यूज तो नहीं होंगे कभी फॉर्मुलेज में, फॉर्मुलेज को रटना नहीं है बच्चों, फॉर्मुलेज को समझना है। मेरे को एक बात का आंसर दो अरम, अगर मेरे को बोला जा रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी तो क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या प्रेफरेंस लूंगा? इक्विटी की बात की जा रही है तो क्या प्रेफरेंस लूंगा? डिविडेंड या नहीं लूंगा? बताइए, नहीं होते, नहीं लूंगा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लूंगा नेटवर्थ में या नहीं लूंगा? नहीं होते, बट अगर मैं कह दूं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, अब क्या लूंगा? अपने आप आंसर दियो, आकृति मन से आंसर निकालना शायद अपना, कुछ ही हो गए ना फिर क्या क्या तो। लूंगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करूंगा नहीं करोगे? हाँ और डिवाइड में क्या लूंगा? क्या मैं इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों लूंगा? जी, बट मेरा फॉर्मूला क्या है जितेंद्र, मेरा फॉर्मूला क्या है? मैं फॉर्मूले लर्न नहीं कराना चाहता, समझाना चाहता हूं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, क्या शेयर होल्डर होते हैं डिवेंचर्स? नो सर। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? और शेयर होल्डर फंड्स कौन से होंगे? इक्विटी और प्रेफरेंस प्लस कोई रिजर्व्स होंगे, क्योंकि रिजर्व्स किसका पार्ट होते हैं? बताइए, रिजर्व्स किसका पार्ट होते हैं? नेटवर्थ का ही, बोर इक्विटी का ही पार्ट होते हैं। तो आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स को समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा मिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक एक फॉर्मूला आपके माइंड में बैठ जाएगा, उसके बाद आपको कभी नहीं मुश्किल आएगी। तो उसी को समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपके सामने। इक्विटी शेयर कैपिटल 120 करोड़, सब लोग आंसर करना है। नेटवर्थ क्लासिफाई कर रहे हो अपने आप ही, तुम जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको समझने की। लॉन्ग टर्म डेप्ट
बताइए। क्या बोल सकते हैं इसको? बोलिए। अब आपसे पूछ रहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या पूछ रहा है वो आपसे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए आप खुद सोचिए, ये दो फॉर्मेट्स हैं बच्चों, ये इस टाइप के फॉर्मेट हैं। देखिए मैं आपके सामने एक चीज बना रहा हूं, सबको याद हो जाएगा। अब ये ना सोचना, ऐसा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऐसा नहीं होता मैंने जान के लिखा है। यही होती है बच्चों बैलेंस शीट, ऐसी बैलेंस शीट होगी, बस ये 2000 करोड़ का टोटल नहीं लिखा होगा, यही बैलेंस शीट होगी बच्चों। अब आ जाइए इस साइड, नेट प्रॉफिट। बताइए अब तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, आपको सबको पता है लॉन्ग टर्म डेप्ट का इंटरेस्ट पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर हमें क्या देना होता है? एक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं जिसे हम, उससे पहले तो नहीं देना होता। बताइए उससे पहले तो नहीं देना होता ना, यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपके पास। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमें प्रोविजन फॉर टैक्स बाद में देना होता है, हमें इंटरेस्ट कॉस्ट की डिडक्शन मिलने के बाद। ये जो पैसा बचता है ये किसका होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब अगर प्रेफरेंस का भी पैट में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस भी दे दिया जाए तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ किसका रह जाता है? इक्विटी वाला। अब आपके सामने अलग अलग फॉर्मूले जाते रहेंगे। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एक ही बात है बच्चों, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो किसके ऊपर निकलेगा? वो इंटरेस्ट से पहले निकलेगा, उसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बताइए साथ में क्या डिवाइड करेंगे नीचे? बताइए क्या लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर पूछ लिया जाए रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, नीचे क्या आएगा? नेट वर्थ। नेट वर्थ कौन सी होगी? सिर्फ किसकी? फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट अगर पूछ लिया जाए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, बताइए
पैट अपॉन में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो आप समझ पा रहे हैं पूरे पूरे प्रोसेस को? बताइए अब समझ में आया कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ कुछ हद तक? अब अगर इसी क्वेश्चन में आपके पास ईबीआईटी दिया हुआ है 300 करोड़, अब बताइए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बताइए निकालिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई और ईबीआईटी दिया हुआ है, बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? थोड़ा सा बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी बताइए फिर। 15% तो बताइए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ व्हाट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड और व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी? दोनों में बच्चों बहुत बड़ा फर्क है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज आर द सिमिलर थिंग, और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आर द सिमिलर थिंग। नेटवर्थ हमेशा किसकी होगी? इक्विटी की होगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी की होगी। और नेचुरल सी बात है, अगर बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे जितेंद्र मैं कितना कमा रहा हूँ, पूरा इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया हुआ उस पर मैं कितना कमा रहा हूँ, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और या मैं अगर बात करूँ उसको कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एक बात है, बताइए ये दोनों फॉर्मुलेज में अगर कोई डाउट है तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं। लो भाई अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया? फिर आपको बहुत छोटे छोटे फॉर्मुलेज भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे, बताइए क्लियर? और हमने और कुछ छोटे छोटे फॉर्मुलेज भी किए हैं, वो भी साथ साथ करते जाते हैं, बताइए और क्या किया? अपने आप ही बताएंगे आप, बताइए अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय, बताइए अर्निंग्स किसकी? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। किसकी अर्निंग्स? किसकी अर्निंग्स की बात हो रही है, बताइए किसकी अर्निंग्स की बात हो रही है? इक्विटी शेयर होल्डर। इसी के साथ एक और फॉर्मूला भी करके हटे हो, कौन सा? खुद बताते जाना, खुद ही बताओगे। क्या पढ़ा था? बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स। तो बुक वैल्यू प्लस इक्विटी शेयर्स निकालने का तरीका क्या होगा, बताइए? आपके पास जो नेटवर्थ दी हुई है क्योंकि नेटवर्थ को ही क्या बोलते थे? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बुक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर हां जी, कौन सा रिजर्व्स? ये यहाँ पर इक्विटी का मतलब नेटवर्थ ही है बच्चा, अब ठीक है? हाँ जी जितेन आराम, अब ठीक है? इक्विटी जब भी लिखूंगा मैं वो रिजर्व्स प्लस शेयर कैपिटल के साथ ही आएगा, ठीक है? बोल भाई जितिन आरम, अब ठीक है? जी हाँ जी सर। अब जितेंद्र एक बात का आंसर दे, पूरा पूरी पूरी भूमिका समझ के चलना है। आकृति ये प्रॉफिट एंड लॉस है, 300 करोड़ कमा रहा हूं, ये प्रॉफिट है, इंटरेस्ट दे रहा हूं 20 करोड़, टैक्स है 50%। मैं सिर्फ लिख रहा हूं 50%, कहीं ना कहना सर 50% टैक्स तो नहीं है, 30% है, मैं लिख रहा हूं यार समझाने के लिए, बताइए सबको पता लग गया 140 करोड़ निकलेगा? कैसे निकलेगा ये पता लग गया सबको?
300 करोड़ में से 20 करोड़ का इंटरेस्ट चला गया, 280 करोड़ के ऊपर टैक्स बना, तो कितना बच गया बताइए, बताइए पैट कितना बच गया? 140। मैं जस्ट रफ फिगर बना रहा हूँ समझाने के लिए, प्लीज इसको ये मत सोचना कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, मैं इसको आपको पर्सनल मत लेना, पर समझने की कोशिश करना। प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल दिया, बताइए अब मेरे पास जो पैट बचा है वो कौन सा बचा है फॉर इक्विटी, इक्विटी कितना बचा है 120 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे मार्केट के अंदर 10 करोड़। मेरा ईपीएस कितना होगा, ₹12 पर शेयर। जितेंद्र मैं इसमें से 120 करोड़ में से डिविडेंड का पेमेंट कर रहा हूं, प्रपोज कर दिया मैंने डिविडेंड की 60 करोड़ की, 60 करोड़ मैंने रिटेंड अर्निंग्स में ले गया, प्लगिंग बैक कर लिया। अब डिविडेंड पर शेयर निकालिए, कैसे निकालोगे डिविडेंड पर शेयर, जो टोटल इक्विटी डिविडेंड दिया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यही करूंगा, एम आई राइट और रॉन्ग? 60 करोड़ डिविडेंड दिया ना 10 करोड़ लोगों को, पर शेयर कितना दिया होगा डिविडेंड पर शेयर? अब क्लियर हुआ सबको क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, बताइए आराम, क्लियर हुआ सबको आकृति? यस। डीपीएस क्लियर हुआ, डिविडेंड पर शेयर सबको क्लियर हो गया, डीपीएस और ईपीएस? डीपीएस और ईपीएस, अब इन्हीं से दो और चीजें बनेंगी, डीपीएस और ईपीएस। डीपीएस तो पता लग गया डिविडेंड कितना दिया, EPS हो गया अर्निंग पर शेयर आ गया, बट एक वर्ड लिख के बार बार उलझाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो बार बार उलझाता है, वो बार बार उलझाएगा। आप लिखने के मतलब को ही समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग क्या होती है बच्चों एक शेयर का, बताइए अर्निंग क्या होती है एक शेयर की? ये अगर मैं बात करूं तो अर्निंग एक शेयर की 120 करोड़ जो बचे थे पैसे, वो सारे अर्निंग थे शेयर्स की, 10 करोड़ शेयर की, तो एक शेयर की कितनी थी, ₹10 अर्निंग थी, बताइए यस और नो, आंसर करो यस और नो। और अगर मैं बात करूं प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस क्या होगा बताइए, यहां पर प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस का मतलब होगा मार्केट प्राइस। वैसे तो देखा जाए अगर हम प्राइस अर्निंग देखें तो उसकी बुक वैल्यू से देखनी चाहिए, बुक वैल्यू से यहाँ नहीं देखी जाती, यहाँ देखा जाता है कि आप मार्केट प्राइस से कितना अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक शेयर मार्केट में ₹200 का ट्रेंड हो रहा है और मार्केट प्राइस किससे चलता है, ऑब्वियस शेयर मार्केट से चलता है, उसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस सब मार्केट से एवरेज से निकलता है। अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं दे रखा, ओपनिंग और क्लोजिंग रेट दे रखे हैं उसके शेयर मार्केट का, तो आप एवरेज ले लीजिए, तो पॉइंट टू बी नोटेड, आप उसका एवरेज ले सकते हैं। बट मार्केट प्राइस क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको मार्केट का जो प्राइस है उस शेयर का वो लेना है, और जितनी आप अर्निंग कर रहे हैं वो आपकी क्या बन जाएगी। अब बताइए मैं कितना कमा रहा हूं, कितनी अर्निंग कर रहा हूं, ₹10 मैं कमाता हूं और ₹200 का शेयर है, तो मैं 20 गुना तो हूं ना कम से कम हर साल। प्राइस अर्निंग रेशो मतलब कितनी रेशो है मेरी उसके साथ साथ, मतलब प्राइस की अर्निंग रेशो क्या, 20 टाइम्स, मतलब जितना मार्केट में अर्निंग आ रही है उसका 20 टाइम्स मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है, उसकी 20 टाइम्स की मेरे पास उसके पास रिटर्न आ रही है, तो वो बोलते हैं आपके पास प्राइस अर्निंग रेशो। तो इसका फॉर्मूला सिंपल हो गया, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर।
अब कई बार पूछ लेता है डिविडेंड यील्ड्स क्या है, आपको ये तो लग गया पता मार्केट प्राइस का, आप कितने परसेंट अर्निंग कर पा रहे हैं। फिर कई बार पूछ लेगा डिविडेंड यील्ड क्या, तो सीधी सी बात है भाई डिविडेंड यील्ड का मतलब कितना यील्ड आया डिविडेंड के ऊपर, कितना। अब मार्को मेरे को कितने दिए थे इसने, कमा कितना रहा था 12 रुपए पर शेयर, और दे कितना रहा है डिविडेंड, कितना 6 रुपए। तो ऑब्वियस है डिविडेंड कितना दे रहा है मार्केट प्राइस के हिसाब से, 6 दे रहा है ना, तो डिविडेंड यील्ड कितनी है मार्केट प्राइस के हिसाब से, कितने परसेंट मेरी यील्ड आ जाती है, कितने परसेंट मेरे को डिविडेंड का रिटर्न आ जाता है। जरूरी तो नहीं है कि मेरे को सारा आ रहा है, वो तो रिटेन्ड भी करना है, रिटेन्ड को भूल जाओ, बस आपको जो डिविडेंड का पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड जितना आ रहा है वो आपकी डिविडेंड यील्ड। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। सर प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होना चाहिए तो कम होना चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए डिपेंड नहीं करता। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मार्केट जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको ये नहीं सोच के चलना कि प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। वैसे तो अगर मैं आपको बात करूँ तो अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस कंपेरिजन में देखें तो अभी इसका अर्निंग पर शेयर बराबर बराबर आ रहा था। ये देखो यहाँ चले थे हम, चले थे ना इस क्वेश्चन में, बताओ चले थे, दोनों का 10-10 करोड़ शेयर थे, 200 करोड़ कमाते थे, 20 रुपए पर शेयर आता था, और उसका नेचुरल सी बात है 10 करोड़ कमाते थे और नेचुरल सी बात है उसका 2 रुपए पर शेयर आता था। बट अगर हम चले तो उसके बाद उसकी अर्निंग 2 रुपए आ रही है, अगर हम उसमें चले तो हमें लग रहा था कि हाँ नहीं वो वाला कंपनी ज्यादा नहीं थी अच्छी, बट निकली बी वाली कंपनी अच्छी। तो आप इस चीजों को खाली अर्निंग पर शेयर से जज नहीं कर सकते, आपको सबसे ज्यादा जज करने का तरीका है मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या है रिटर्न ऑन, हाँ जी आराम, क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी सीधा सीधा सा फंड है, मार्केट में कितनी कैपिटलाइजेशन है उसका कितने परसेंट वो रिटर्न दे रहा है, सीधा सीधा सा फंड है। आप अर्निंग से चेक करेंगे, अर्निंग पर शेयर से, तो आप ये सोचेंगे 4000 का शेयर है मैं कमा तो सिर्फ 40 रुपए दे रहा हूँ, तो डिपेंड ये नहीं करता, बट उसकी ग्रोथ अच्छी आ रही है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी आ रही है, उसकी प्लगिंग बैक ज्यादा है प्रॉफिट्स की, वो बाद में प्रॉफिट्स के बाद आपको कमा के ज्यादा दे रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल, यहाँ पर मार्केट में बच्चों सिर्फ एक चीज नहीं चलती, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टाइटन का एक शेयर 1991 में 25 रुपए का था, राकेश झुंझुनवाला सर ने खरीदा था, किसने खरीदा था, राकेश झुंझुनवाला बिगेस्ट इन्वेस्टर है, 25 रुपए का शेयर खरीदा था। आज टाइटन का शेयर सर्च करो, करो गूगल पे सर्च, अभी पूछ लिया तो बहुत अच्छी चीज है, करो सर्च क्या रेट है बताओ भी सब लोग, सर 2095 मिल गया सभी को, हाँ जी बताइए। अब 30 इयर्स में कितना प्रॉफिट्स आ गए बताइए, 25 से 30 इयर्स में, 91 की बात है वो जब राकेश झुंझुनवाला सर ने खरीदा था, अब बताइए आज 2021 आ गया, कितने टाइम्स प्रॉफिट कमा लिया। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, आपसे पूछ रहा हूं, बोलो कितने टाइम्स कमा लिया, अप्रॉक्स 80 टाइम्स आप ऊपर चले गए या नहीं चले गए। बट अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो इसका डिविडेंड देखो, देखो डिविडेंड सर्च करो, डिविडेंड कितना आ रहा है इस टाइम पे, टाइटन का डिविडेंड कितना, ईपीएस पर शेयर, ईपीएस भी चेक करना डीपीएस भी चेक करना, डिविडेंड तो 2.2 है, अब बताओ और ईपीएस, बताओ मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,85,000 करोड़ की है, ईपीएस है बच्चों 15 पर शेयर, मिला मिल गया, हाँ जी मिल गया, देख लो सर्च करके, 15.09 है,
अब बताना, अब 15 रुपीज अर्निंग करता है, 2 रुपए डिविडेंड देता है, 13 रुपीज क्या करता है, प्लगिंग बैक करता है, और वो जो प्लगिंग बैक करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, आज 25 का शेयर 2095 2100 रुपए में खड़ा है। बताइए, अब बताइए, कंपनी अच्छी ग्रोथ पे है या बेकार ग्रोथ पे है? बोलो, बताओ, अब कौन सी कंपनी में जाना चाहोगे, जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? अब आज अगर 2095 का खरीद लेते हो तो कल को अगर 20 साल बाद 20,000 का शेयर होगा तो आपको बेनिफिट है या नहीं है, बताइए बताइए। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी रोल निभा रहा है, डीपीएस भी रोल निभा रहा है, क्योंकि अगर खाली हम डीपीएस सारा पे आउट कर देते हैं बच्चों तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तब बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि सारा डिविडेंड पे आउट कर दिया, नेचुरल सी बात है आपके पास पैसा ही नहीं बचा तो आप क्या काम करोगे। और अगर आपने सारा रिटेंड कर लिया वो भी दिक्कत है, क्योंकि सिंपल सी बात है उसके पास हार्ड कैश क्या जाएगा, वो तो कहेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर हार्ड कैश, कुछ हार्ड कैश भी जाना चाहिए। तो वो दोनों को मैनेज करना ही आपके पास क्या है, बताइए, दोनों को मैनेज करना ही क्या है आपके पास, वो सबसे ज्यादा। बट आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का बेनिफिट आ रहा है। देखिए, अब आरओई लिखिए इसकी, टाइटन की आरओई लिखिए, बताइए कितनी है, दिस इज एक्चुअल रिटर्न 13%, ये एक्चुअल रिटर्न आ रही है। आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो ये कंपनी का एक्चुअल ट्रेंड होगा 13%। आप अगर खुद सोचिए 13% है तो आप, मैं आपको 13% की कैलकुलेशन यहां समझाने की कोशिश करता हूँ। 25 रुपीज का शेयर लिया 91 में, समझते जाना, देखना कैसे कैसे गेम घूमता। 13% से कैलकुलेशन करना, अप्रॉक्स 4.5 years में बच्चों पैसा डबल हो जाता है। कितने का हो गया, 96 के आसपास, और हम कितने का हो गया, कितने का हो गया अरम, हाँ जी आकृति, कितने का हो गया, 50 का डबल हो गया ना, 2001 के आसपास कितने का हो गया अप्रॉक्स, 2000-2001 के आसपास डबल 50 का, अब देखो 2004-5 के आसपास, अब देखो 2008-9 के आसपास, 9 के आसपास, अब देखो 2014 के आसपास, फिर देखो 2018-19 के आसपास, और 2021 में आ गया 2095 में, मिल गई रिटर्न 13%। अब आराम क्लियर है, अब डीपीएस या ईपीएस का रोल आया, डीपीएस का रोल आया बट ईपीएस का रोल भी आया, बट अब 13% एक्चुअल रिटर्न मिल रही है। कैलकुलेट कर ले पूरी 91 से लेकर आज तक मल्टीपल एन्यूटी से कैलकुलेट कर, 13% रिटर्न आ रही होगी, 101% है। आ रही है कि नहीं आ रही, उससे ज्यादा आ सकती है, कम नहीं आ सकती, क्योंकि हो सकता है समटाइम मार्केट ऊपर हो, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो रेगुलर बेसिस पे बनता है, तो नेचुरल सी बात है बीच में मार्केट बहुत ऊपर भी गई थी 2006-07 में। बताइए, अब क्लियर हो रहा है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते वक्त शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज को मैटर करता है, बेसिकली शेयर होल्डर का बेनिफिट क्या है, ईपीएस है, डीपीएस है, या सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है। ईपीएस तो बच्चों अर्निंग आ गई, और अर्निंग आने से कंपनी ने अगर वो प्रॉफिट अपने पास रिटेंड किया और उसके बाद आपको कमा के दिया तो वो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी जज करेगा। आप ईपीएस से साली अर्निंग को कंपनी को जज नहीं कर सकते, आप डीपीएस से कंपनी को जज नहीं कर सकते, बट आप कंपनी को किससे जज कर सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी से। अब क्लियर हुआ आरम क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बता भाई, हां जी सर, क्या क्लियर हुआ कि कंपनी को किससे जज करेगा, ईपीएस से या डीपीएस से या रिटर्न ऑन इक्विटी से, बताइए, आरओई से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक ऐप आती है, डाल सकते हो आप अपने पास, जीरोधा स्क्रीनर, बच्चों इन्वेस्टमेंट कंपनी है जीरोधा स्क्रीनर, आप आरओई चेक करना आरईएल का, 5 मिनट लगेंगे आपका काम हो जाएगा, जीरोधा स्क्रीनर नोट कर लो, आपको पता लग जाएगा आपको आरईएल का शेयर का। पर बच्चों सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का रोल होता है आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखना, बहुत बड़ा रोल। आ जाइए, चलिए अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं कुछ।
अगर जिसका प्राइस अर्निंग अच्छा है तो मार्केट प्राइस से अर्निंग अच्छी करके दे रहा है, वो भी डिपेंड नहीं करता कि वो भी आपको मैटर नहीं करेगा कि कई बार आपको अच्छी रिटर्न्स दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, क्योंकि रिटर्न्स रेगुलर बेसिस पे चेक की जाती है, रिटर्न्स रेगुलर बेसिस पे ही आपके काम आती है। हो सकता है आज ईपीएस अच्छा हो कल ना हो तो वो भी प्रॉब्लम है, बट एक कंपनी की रिटर्न्स कितनी बन रही है, कितने सालों में वो आपको रिटर्न्स दे रहा है, वो सारा गेम किस पे घूमेगा आके, रिटर्न ऑन इक्विटी पे घूमेगा, वो सारा गेम रिटर्न ऑन इक्विटी पे घूमता जाएगा। कुछ कुछ क्लियर हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी? माइंड में बैठेगा धीरे धीरे। एग्जांपल देते हैं अब आपको, ऑर्डिनरी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर। आपको क्वेश्चन में पैट दिया हुआ है, परसेंट टैक्स लगा रहा है। नवंबर 20 का क्वेश्चन है, अभी आया था रिसेंट। ऑर्डिनरी डिविडेंड पे अप है, ट्वेंटी परसेंट मार्केट प्राइस पर शेयर है 4 रुपीस पर शेयर, डेप्रिसिएशन दे रखी है आपके पास, अब आपको जो कैलकुलेट करता है डिविडेंड यील्ड अर्निंग यील्ड, जितना कराया उतना ही लिख रहा हूं, सारा नहीं लिख रहा क्वेश्चन, और प्राइस अर्निंग रेशियो निकालिए, खुद निकालिए, तीनों निकालिए। सब ट्राई कीजिए, बताइए निकल गया सबका।
मैं बताऊं? प्राइस अर्निंग रेशो तो 12.8 कितनी प्राइस अर्निंग रेशो? 12.8 ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट, 12.8 अर्निंग रेशो। कैसे निकाली प्राइस अर्निंग रेशो? क्या फॉर्मूला लिखवाया था बताइए, क्या फॉर्मूला था आपके? अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस कितना है? 4 रुपीज। अर्निंग कितनी कर रहे हैं आप? अर्निंग बताइए पहले तो, आप अर्निंग के लिए कितना देखेंगे? पैट कितना है आपके पास? ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं आपके पास बताइए, कितने शेयर्स हैं बताइए? ईपीएस कितना निकल के आ जाता है? दिमाग से आंसर सोच। -42,000 अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स का दे रखा है, ठीक है, कर दो। 31.25% यहाँ पर जीरो लगा दीजिए फिर, यही है ना? बताइए, या 31.25 जो मर्जी लिख सकते हैं। आकृति, यहां तक कोई डाउट? अब आपके पास प्राइस अर्निंग मिल गई, आपके पास अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो हम बात करें तो कितना आ गया? ये तो ईपीएस है ना, रेशो तो लगेगी नहीं साथ में। ₹5,00,000 बचते हैं आपके पास, क्योंकि ऑब्वियस है पैट कितना, मैं नीचे ही कर देता हूँ, ऊपर जगह कम पड़ रही है। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कैसे निकलेगा? 7% है 6,00,000 का, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आपके पास अवेलेबल कितना हो गया? 5,00,000। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 8,00,000 कितना आ गया? अर्निंग पर शेयर कितना आ गया बताइए? आप अर्निंग पर शेयर दिस वन है, एमपीएस दे रखा है, मार्केट प्राइस 4 रुपीज। करिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 4/4 आएगा। करिए, अब आपसे पूछा है अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड। आप डिविडेंड कितना पे करते हैं? 20%। देखिए कितना पे करते हैं? 20%। अब आप सोच सकते हैं कितना पे करेंगे 20%। 20% किसका होगा बताइए, किसका होगा? शेयर प्राइस का, ऑब्वियस है। 20% का मतलब क्या होगा? ये थोड़ी है इक्विटी शेयर में जितना पैसा बचा उसका 20% आप पे कर रहे हैं। आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड किया कितना परसेंट? 20%, सीधा सीधा बोल रखा है। तो ₹1 का आप कितना पे कर रहे हैं? 20 पैसा। तो 20 पैसा जब आप पे कर रहे हैं और मार्केट प्राइस क्या है आपका? 4। तो निकालिए आप कितना पे कर रहे हैं, कितने परसेंट आप डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं बताइए, कितने परसेंट आप डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं? और आप कमा कितने परसेंट रहे हैं? अर्निंग कितनी दे रहे हैं आप? कमा कितने रहे हैं? अर्निंग कितनी आ रही है आपकी? ईपीएस कितना आ रहा है? 0.3125। मार्केट प्राइस तो वही है 4 रुपए। तो बताइए कितना कमा पा रहे हैं? ये दोनों चीजें निकालनी थी बस क्वेश्चन। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, आपसे पूछा क्या गया है। डिविडेंड यील्ड का मतलब डिविडेंड कितना दे पा रहे हैं अर्निंग के, मार्केट प्राइस के ऊपर। अर्निंग यील्ड का मतलब अर्निंग कितनी हो पा रही है मार्केट प्राइस के ऊपर। बस बात खत्म।
और प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब जितना मार्केट प्राइस लगाया उस पे आपने ईपीएस कितना कमाया, वो प्राइस अर्निंग रेशियो। बताइए अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट जितेंद्र? यस और नो बताओ भाई सब लोग, अब क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन करें, आंसर करो भाई चैट पे। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, नवंबर 19 में आया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख। रिजर्व्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ईबीआईटी दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ही आया होगा मेरे ख्याल से। एमपीएस है 14 रुपीस, इंटरेस्ट 60,000, पैट 240। आपको फाइंड आउट करना आरओसीई, ईपीएस और पीई। पूरा क्वेश्चन लिखा है तो इसमें तो जरूरत नहीं थी कुछ भी खत्म करने की, निकालिए। बिल्कुल सिंपल है, जल्दी जल्दी निकालना चाहिए। पहले तो आरओसीई, आरओसीई के लिए क्या क्या चाहिए बताइए? कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर समझा दिया था, क्या ये सारा कैपिटल एम्प्लॉयड है? बताइए क्या ये सारा कैपिटल एम्प्लॉयड है? बताओ यार, सुबह सुबह का टाइम है, क्या ये सारा कैपिटल एम्प्लॉयड है? यस yes, तो आरओसीई ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 8.3% अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इनटू 100। बताइए कितने परसेंट आएगा? करेक्ट है जितेंद्र, 15.38। ईपीएस, तो ईपीएस के लिए क्या चाहिए बताइए? मार्केट प्राइस दे रखा है, पहले ईपीएस के लिए क्या चाहिए? पैट, पैट है, पैट में से क्या लेस करेगा आरम? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना चला गया? ये किसकी अर्निंग आ गई? अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय अर्निंग में नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स बताइए। फेस वैल्यू यहां दी हुई है 10 रुपीस, मैं लिखना भूल गया था। अब बताइए कितने शेयर्स आ जाएंगे? बताइए ईपीएस, जल्दी बताइए ईपीएस। 2.20। अब प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस दिया हुआ है, बताइए कितना एमपीएस है? कितना आसान क्वेश्चन है ना, नवंबर 19 में आया हुआ बच्चों, किस्मत चमक गई होगी ना। बताइए कुछ कुछ क्लियर हुआ आज? आज हमने जितनी भी आपके पास रेशोस पढ़ी हैं, कुछ कुछ क्लियर हुआ? बोलो भाई सब लोग, ये रेशोस जो हमने आज डिस्कस करी हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अभी हमारे पास आज हमने जो डिस्कस करी हैं वो आपके पास ओवरऑल रिटर्न रेशोस डिस्कस करी हैं। लिख सकते हो ओवरऑल रिटर्न रेशोस। कल हम आगे और डिस्कस करेंगे।
ऐप में वही जो भी मैंने लिखा है सारा आपके पास ऐप में अपलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, और आपका लेक्चर भी हमारे पास 1.1 व्यूज हम एक्स्ट्रा देते हैं रिकॉर्डेड का, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। इसका एलएमएस बन जाएगा? हाँ एलएमएस ही तो बन के आएगा ना ऐप में, स्टडी मटेरियल जब आप खोलेंगे ना पूरी पीडीएफ होगी जो मैंने बनाया आज, समझ गया? सर कितने क्वेश्चन कर लेंगे?